बिहार के साथ साथ केंद्र में कांग्रेस आज हाशिए पर चली गई है। विपक्ष के मतलब लोग आरजेडी ही समझते हैं, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस एक बड़े साझेदार पार्टी के रूप में है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद जिला के कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी जी हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अपना धीरे धीरे वजूद खोते जा रही है। द्विवेदी जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह है द्विवेदी जी की कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे राज्य में और केंद्र में हाशिए पर चली गई है, केंद्र कांग्रेस पार्टी का अपना जो है वो वजूद धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है? केंद्र में तो सबसे पहले कहना चाहते हैं सर कि केंद्र में तो 2014 तक मेरी सरकार थी, 2004 से 2014 तक। 2009 के कार्यकाल जो यूपीए 2 का कार्यकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के बाद हमारे यहाँ यूपीए के जो साझेदार लोग थे, जैसे एआईडीएमके में जैसे करुणानिधि के बेटी, करुणानिधि के दामाद और भी बहुत सारे लोग थे, जो संचार विभाग में उनके द्वारा जो कुछ गड़बड़ियाँ की गई, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में गिनती आती है, पूरे आज़ाद भारत में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है प्रधानमंत्री जी का, मनमोहन सिंह जी का। लेकिन मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक फ़ायदा उठाया गया, राजनीतिक एक तरह से उनका सीधापन का फ़ायदा उठाया गया। हमारे यहाँ कुछ ऐसा अलायंस के लोग घोटाला किए और यह टोटल ठिकरा हमारे यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी पर पड़ा, उसी का थोड़ा बुरा असर पड़ा सर। अभी वर्तमान में द्विवेदी जी, आपको लगता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है या नेतृत्व करता है वो चेहरा अलग होना चाहिए, नेतृत्व करता किन्हीं और को हाथ में सौंपा जाए, ऐसा लगता है ताकि और कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ जाए? हमारे यहाँ नेतृत्व करता सर, हमारे यहाँ जो भी हमारे आदरणीय राहुल जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, अभी प्रियंका जी भी अभी राजनीति काफ़ी सक्रिय कर रही हैं, तो हमारे यहाँ नेतृत्वकर्ता से कोई शिकायत नहीं है सर। लेकिन नेतृत्वकर्ता के बाद कुछ ऐसे तत्व हैं केंद्र में भी और हर स्टेट में भी, जो बैकडोर से आरएसएस को गुप्त सूचना पहुँचाते हैं, आरएसएस के आदमी कुछ बैठे हुए हैं, जो हमको उनको पहचानने की ज़रूरत है, उनको निकालने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि नेतृत्वकर्ता को ऐसे लोगों को अलग करना चाहिए या इस पे कमेटी बैठा के जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित कर कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करना चाहिए? आखिर ये धीरे धीरे इस तरह से जो हाशिए पर जा रही है, इसका आखिर अंत क्या होगा? हमारे यहाँ विगत 7-8 सालों से आप देख रहे होंगे कि जब से यूपीए सत्ता से गई है, 2014 तक हम लोग सत्ता में थे, उसके बाद आप देखे होंगे कि कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री, कुछ केंद्र में जो एआईसीसी के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, कुछ ऐसे अपना बयानबाजी से भी बहुत पार्टी को हाशिए पर ले गए और उनको जो है से हमारा पार्टी जो है से धीरे धीरे दरकिनार कर दिया है। उनको आज के डेट में पार्टी में कोई स्थान नहीं है, उनको जानने वाला भी कोई वही नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं केंद्रीय नेतृत्व से कि आने वाला समय जो है से बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि सर धीरे धीरे जो भी हमारे यहाँ गलत लोगों का जो जमावड़ा लगा हुआ था, धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है लोगों को। बिहार में भी जैसा कि लग रहा कि कांग्रेस की गतिविधि जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है, कहीं कोई एक्टिव लोग नहीं है या जो लोगों को नेतृत्वकर्ता केंद्र से भेजा जाता है वो भी यहाँ सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का वजूद आखिर कैसे वापस लाया जाएगा? कांग्रेस का वजूद सर वापस उसी शर्त पर लाया जाएगा सर, जो हमारा कांग्रेस का जो समीकरण था और अभी हमारा जो अलायंस, हमारे जो पार्टनर हैं आरजेडी हैं, इधर वामपंथी लोग हैं, तो एक निष्पक्ष तरीके से अंतर मन की भावना से जो अलायंस नहीं हो पाता है सर। हम लोग पूरे 5 साल तक हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के समय हम लोग लड़ बैठते हैं, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम लोग 5 साल तक नहीं लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन टिकट बंटवारे के समय हम लोग तूतू मैं करके अपना माहौल को ख़राब कर लेते हैं। और एनडीए लोग 5 साल पूरा लड़ता है, एनडीए में हम लोग देखे हैं एक आकलन किए हैं, 5 साल वो लोग पूरा लड़ाई झगड़ा करेगा, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, हम हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, लेकिन इलेक्शन के समय में वो लोग आपस में, वो लोग का संबंध काफ़ी अच्छा रहता है। इसका भी काफ़ी बुरा प्रभाव हमारे जनता जनार्दन पर पड़ता है।
आप कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं हरि नारायण द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है, आप एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी में हैं, क्या लगता है कि चूक कहाँ हो रही है, कहाँ गलती हो रही है आखिर कांग्रेस के नेतृत्व में, या फिर कांग्रेस धीरे धीरे बैक टू बैक पीछे हटते क्यों जा रही है? सर, हमारे यहाँ कुछ संगठनात्मक जो है से कुछ बड़े बदलाव के संकेत अभी मिल रहे हैं। संगठनात्मक बदलाव होने चाहिए, चाहे जो काम नहीं करता है उसको सीधे हटाया जाए। हमारे यहाँ कुछ पहले जो भी कुछ पहले चुनाव पूर्व जो पहले जो कुछ हुआ भी था, तो उससे सबक लेते हुए अभी जो नए प्रभारी माननीय प्रभारी भक्तचरण दास जी आए हैं और एक और प्रभारी सचिव आए हैं ब्रिजलाल खबरी जी आए हैं, वो काफ़ी संगठनात्मक मुद्दे पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और पूर्व की जो भी गलतियां हुई है हमसे, मैं तो गलती स्वीकारता हूं कि हमारा तो ये भक्तचरण दास जी के आने के बाद जो आप बता रहे हैं कि संगठन मजबूत करने की कवायद चले, दिख तो नहीं रहा है सर? भक्तचरण दास जी जब से आए हैं पूरे बिहार के सभी जिलाओं का दौरा कर चुके हैं सर, सभी जिला को, एक जिला छोड़कर सभी जिला का उन्होंने दौरा किया। इसके पूर्व भी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी पूर्व में जो हमारे प्रभारी रहे थे, वो पूरा दौरा इस तरह से नहीं किए थे। माननीय प्रभारी भक्तचरण दास जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आए और आने के तुरंत 10 दिन के अंदर पूरा दौरा का कार्यक्रम पूरे बिहार में चला और हर जिला में उन्होंने घूमा और संगठन को बारीकी से देखा। और आने वाले समय में वो आमूलचूल परिवर्तन का संकेत है जो हम उनसे काफ़ी उम्मीद करते हैं। और वो काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, 3 बार MP रह चुके हैं, उड़ीसा से संबंध रखते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भक्तचरण दास जी। मैं उनसे काफ़ी उम्मीद कर रहा हूँ सर कि संगठन में आने वाले समय में काफ़ी सुधार होगा, हमारी पार्टी धीरे धीरे अच्छे संकेत की ओर जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं द्विवेदी जी कि भक्तचरण दास पूरे जिले में, पूरे बिहार के हर जिले में दौरा किया, घूमे, जहानाबाद में भी उन्होंने इस दौरान आया है, लेकिन जहानाबाद में आने के बावजूद भी तो कांग्रेस का कहीं कोई एक्टिविटी उसके बाद से तो दिख नहीं रही है सर। एक्टिविटी तो हमारे यहाँ AICC के द्वारा, बिहार प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलता है, इधर लगातार आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल के मूल्य पर या और भी महंगाई के मुद्दे पर या और भी शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, जो भी दिशा निर्देश आता है हम लोग उसका पालन करते हैं और हम लोग पूरा मजबूती के साथ, हाल फिलहाल पेट्रोल डीजल के मूल्यों के प्रति हमारा आलाकमान गंभीर था, पूरे ऑल इंडिया में सारा जिला मुख्यालयों में सारे प्रखंडों में धरना प्रदर्शन हुआ है महंगाई के मुद्दे पर। और आने वाले समय में भी पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है या अस्तित्व है उसको हम बूथ लेवल से मजबूत करने की ज़रूरत है, गांव-गांव में मजबूत करने की ज़रूरत है? सर, बूथ लेवल पर भी मजबूत करने की ज़रूरत है, गांव-गांव पर मजबूत करने की ज़रूरत है, उसके लिए अग्रतर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन एक सेंटिमेंटल उभार होता है सर, एक माहौल जो बनता है पार्टी का, वो कुछ ऐसा एक बड़ा निर्णय उड़ने के बाद एक माहौल भी चेंज होता है। जिसे आप कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे कि बिहार में लगातार घटनाएं जो घट रही है उसमें कुछ ऐसा घटना है जो जिससे आम जनमानस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, उसका एक माहौल भी बदला। इसलिए अभी जो है से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं सर, और आने वाले समय में हम लोग काफ़ी अच्छे रहेंगे सर, मैंने पार्टी संगठन काफ़ी मजबूत दिखेगी सर, और पूरे देश, पूरे बिहार ही नहीं सर, पूरे देश लेवल पर पूरा सर आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है हमारे संगठन के मुद्दे पर, और बदलाव की जरूरत है और होना चाहिए पार्टी की मजबूती के लिए। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के जिलाध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी जी, जो बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे मजबूत करने की कवायद चल रही है और बूथ स्तर से लेके जो है वो जिला स्तर पे इस कमेटी को, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कवायद हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा की जा रही है।